दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा आप उस पर क्लिक करके मेरे स्टोर पे आ सकते हैं। और गाइज़ यहाँ पे आप लोग जो भी आपको परचेस करना है उसको आप परचेस कर सकते हो, बस आपको जो पेमेंट है वो पहले करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप एक बार यहाँ पे चेकआउट कर ले। सो हे गाइज, दिस इज श्याम एंड यू वॉचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप लोगों की एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी, वो ये थी कि कैसे हम किसी भी एम्पलीफायर में माइक के कनेक्शन कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे माइक के कनेक्शन करने के लिए आपको किसी भी ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे बस आपको एक माइक का सॉकेट चाहिए, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ब्लर जो है ये देखिए, आप देख सकते हैं। ऐसा आपको माइक का सॉकेट चाहिए और यहाँ पे गाइज मैंने कनेक्टर लगा दिया है। देखिए कनेक्टर कैसे लगाया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गाइज, इसके जो दो पिन हैं, ठीक है, ये देखिए, ये पीछे की साइड में दो पिन है इसके। एक मिनट में सही से फोकस कर लूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की साइड में कनेक्टर के दो पिन हैं, लेकिन हमने क्या किया है, जो दो वायर हैं हमारे लेफ्ट और राइट चैनल के, उनको एक साइड यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है और जो बीच वाला ग्राउंड होता है उसको यहाँ ग्राउंड में लगा दिया है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर आप एक और सर्किट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये गाइज हमिंग ना आए इस वजह से ये सर्किट बनाया है मैंने। तो गाइज़ यहाँ पे दो हमारे 10K के रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ग्राउंड से अटैच है। ये देख सकते हैं ग्राउंड से अटैच है और यहाँ पे राइट चैनल में लग गए हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले में आप देख सकते हैं बीच में दोनों अटैच है। और यहाँ पे दो हमारे 104J के कैपेसिटर हैं जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट हो गया, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आपको माइक कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ही गाइज मैं यहाँ पे आपको चला करके भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं मैंने बता दिया और मैं चला करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको चला करके भी दिखाऊंगा। तो ऐसा आपको YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ यार इसके लिए वीडियो को एक लाइक कर देना। और आप लोगों को पता है अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और मैंने पंखा बंद कर रखा है, इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयर करने से आपके दोस्तों को भी इस बारे में पता चल पाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास माइक भी है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं ये मेरे पास माइक है, और गाइज माइक का जो पिन होता है वो मैंने काट दिया है, मतलब ये कटाई हुआ था पहले से ही। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं फोकस करके आप लोगों को दिखा पाऊँ तो ये इसका ग्राउंड है और लेफ्ट राइट एक साथ मैंने जोड़ रखा है, ठीक है, दो वायर यहाँ से हमने निकाले हैं, ठीक है। तो गाइज ये देखिए, ये जो दो वायर है ये हमारा जो हमारा माइक का पिन होता है, आप देख सकते हैं ये हमारा माइक का पिन होता है ऐसा, तो इसमें भी तीन होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, दो वायर लिए हैं जो कि एक लंबा वाला आप देख सकते हो यहाँ पे और एक बीच में, ये दो वायर सोल्ड करके इसी माइक के उससे एक ग्राउंड है और एक हमारा एक चैनल का है। अब गाइज आप क्या करोगे, ये देखिए, आप चाहे तो इसमें भी लगा सकते हैं, ये चाहे तो इसमें भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये वाला टेस्ट नहीं करके दिखा रहा, मैं आपको सिंपल वाला टेस्ट करके दिखा रहा हूँ जिसमें कि हमने कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है, खाली एक कनेक्टर लगाया है। तो क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर ऐसे लगा लेंगे, ये हमारा माइक हो गया फिट। अब क्या करेंगे गाइज, ये कनेक्टर मैंने इसीलिए लगाया था कि आसानी हो। अब डायरेक्ट इसे हम बीस ट्रेबल जो हमारा बोर्ड है उसके अंदर ऐसे डायरेक्ट हम इसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने इसे कनेक्ट कर लिया, अब हो गया कनेक्शन हमारा ख़त्म। अब मैं आपको पावर सप्लाई दे करके और इसे चला करके दिखाता हूँ। प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि आपके दोस्तों को भी मदद हो सके। कैसे, आप ज़रूरी नहीं गाइज आप इसी एम्पलीफायर बोर्ड में से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड में इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, आपको किसी भी सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने 30-55 के एम्पलीफायर में भी देखा होगा, खाली यही लगा रहता है, बाकी अलग से कोई कनेक्शन नहीं होते। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट भी एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो ऑन हो चुका है, और कैमरे को मैंने दूर इसलिए रखा है जिससे कि मैं आप लोगों को लाइव जो टेस्ट है वो करके दिखा सकूं। गाइज अभी मेरा जो आवाज़ है वो आप लोगों को कम सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि जो माइक है वो मैंने स्पीकर पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं जो मेरा फ़ोन का माइक है वो स्पीकर पे है, ठीक है। अभी जो ओरिजिनल माइक है जो हम चलाने वाले हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमारा जो सर्किट है वो पूरा ऑन है, ठीक है। तो गाइज जैसे ही मैं, ये देखिए ये हमारा माइक है, ठीक है, अगर मैं इस पर ऐसे करता हूँ तो आप लोगों को आवाज़ जो है वो सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ। हेलो 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 हेलो, आप देख सकते हैं गाइस वहाँ पे आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को, हेलो 1 2 3 हेलो हेलो हेलो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, और देखिए गाइस मैं इसे बंद कर देता हूँ तो देखिए कोई भी आप लोगों को आवाज़ जो है वो नहीं सुनाई दे रहा होगा। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा आप लोगों को थोड़ी सी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देगी, और साथ ही आप देख सकते हैं
यहाँ पे आप लोगों को माइक का जो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो उसकी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। गैस अगर मैं इसको पास ले जाता हूँ तो देखना आप लोगों को कैसी आवाज सुनाई दे, देख सकते हैं। तो गैस ये जो हमारा माइक है वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को वो भी चीज सुनाई दे रही होगी, वो भी क्लियरली तरीके से, ठीक है। और गाइस यहाँ पे हमिंग का तो कोई भी मैटर होता ही नहीं है, आप देख सकते हैं हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरीके से ऑन है। मतलब यहाँ से जो इसका वायर है ना ये थोड़ा सा हिल जाता है, जिस वजह से अभी मैं आप लोगों के सामने इसको यहाँ पे लेके गया था तो इसमें से आवाज आ रही थी, बट अभी नहीं आ रही है। तो जल्दी से मैं इसे ठीक कर लेता हूँ एक बार, फिर दोबारा आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं इसे आप लोगों को चला करके दिखा दूंगा। सो गाइस अभी जो वायर है वो ठीक हो गया है प्रॉपरली, अभी मैं आप लोगों को चला करके दिखा देता हूँ। हेलो 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 हेलो। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जैसे ही पास ले जा रहा हूँ तो इसमें हमिंग सी आवाज़ आ रही है। तो गाइस आई होप आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और गाइस यहाँ पे मैं बोलने में कुछ भी मैंने गलत बोल दिया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही है, मैं एक बार इसको अपने कॉलर पर लगा लेता हूँ और एक और बार मैं आपको सारी चीज़ें जो है दिखा देता हूँ, कहीं आप ये ना कहो कि भाई कनेक्शन तो ना अलग कर रखे हैं। तो गाइस यहाँ देख सकती हो ये माइक है, ठीक है, ये हमारा वेजिटेबल बोर्ड है, ये माइक का वायर है पूरा, ठीक है, ये स्पीकर का वायर इसी में लगा हुआ है जो कि इस कैबिनेट से निकल करके आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइज मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।